अभी हम यहाँ डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक विधिवत निर्माण का काम शुरू नहीं हो जाता, और वो आज से ही शुरू होने वाला है। ऐसे हम अपने को सांत्वना देके अपने को सांत्वना दे सकते हैं, पर लाखों लाखों लोगों को हम सांत्वना पानी डलवा के नहीं दे सकते, और हम अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। पर आपके जो नेता लोग हैं वो एक तरीके से करेंगे, देखिए हम लोग कार सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, काम भी करेंगे, पर न्यायालय का जो आदेश है उसको नहीं तोड़ेंगे, तो उसमें आपको नहीं लगता कि आपको एक कदम तो कहीं पीछे? अब हमारी कार सेवा से न्यायालय का वो न टूटे, ये उनका सौभाग्य है और हमारा, बाकी हम कार सेवा सही जगह पर करेंगे, मंदिर में ही करेंगे। आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे गुरुजी जो कहते हैं उससे मैं कुछ अलग कहूंगी क्या? हम लोग का ये सबको हटाओ, मंदिर यही बनेगा। आपको ये नहीं लगता कि न्यायालय की वजह से आप लोगों को एक कदम पीछे हटना पड़ा, या हटना नहीं तो कम से कम थोड़ा देर रुकना पड़ा? देखिए ऐसा है कि इस देश के अंदर हमने पहले ही माना है कि न्यायालयों की सीमा में हमारी आस्था का प्रश्न नहीं आता है, इसलिए यहाँ कार सेवा विधिवत ढंग से उसी तरह शुरू की जा रही है। कार सेवा का अर्थ ये तो नहीं कि हम आज चबूतरा बनाया उस पर फिर कंक्रीट डाले, उसकी सफाई करेंगे, छिलाई करेंगे, निर्माण कार्य के पहले जो कार्य है वो सब करेंगे, और यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मंदिर का निर्माण विधिवत शुरू नहीं हो जाता। अच्छा, हम आए यहाँ धुलाई करके ही जाने वाले नहीं है। आपके पॉलिटिक्स में जाने में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको कहा गया संघ परिवार की तरफ से? ऐसा है, मुझे लगता है कि राजनीति से अलग रह के हम जितना काम कर पाएंगे उतना शायद राजनीति में जाके नहीं कर पाएंगे। एक बात और बता दें कि सिर्फ आज असंतुष्ट वो व्यक्ति जाएंगे, इसमें दो राय नहीं, जो इस ढांचे को तोड़ने आए हैं। और यदि कार सेवा की दृष्टि से आए हैं तो संतुष्ट होके जाएंगे, कार सेवा विधिवत आए। आप लोग भी तो ढांचा तोड़ेंगे आखिर में? हाँ तोड़ेंगे, जब समय आएगा तब तोड़ेंगे। कार सेवा को यही समझते हैं ना कि ढांचा तोड़ना यही कार सेवा, यही गलत समझ है। हाँ। निर्माण करने आए हैं, अभी तोड़ने नहीं आए, ये शुरू से हमारा है कि हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए आज ढांचा नहीं तोड़ना, पर ढांचा टिका भी नहीं रहेगा। आपके बताने के लिए नहीं हो रहे क्या? आपके सारे प्रयास बताने के लिए नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे। कार सेवा नहीं, ऐसा तो नहीं है। कार सेवा हमारा नृत्य मंडप सभा मंडप बनेगा, उसके बाद गर्भगृह बनेगा, और जब गर्भगृह का निर्माण होगा तभी ढांचा तोड़ा जाएगा। अब वो ढांचा तोड़ा जाए, उसे स्थानांतरित किया जाए, वो भाषा अलग अलग हो सकती है। चुनाव बीच में टपक पड़ेगा तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा काम अपने ढंग से चलेगा। बीच में चुनाव आए, प्रधानमंत्री आए, जाए, अब इसमें हमारा क्या दोष? चुनाव की टाइमिंग से आपकी टाइमिंग कोई संबंध जी नहीं।